Hello and welcome back to the Medico Girl. In this video, we are going to discuss about BP801T Biostats and Research Methodology Unit 1 Part 1, that is Introduction to Stats, Biostats and Frequency Distribution. So let's begin. तो सबसे पहले जो statistics होती है collection, presentation, analysis and interpretation of data. डाटा जो है वो हो सकता है इंडिविजुअल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और क्लास इंटरवल, और ये फॉर्म होता है बाय यूजिंग रॉ डाटा, यानी कि जो होती है ओरिजिनल फॉर्म. देन जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल. जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं ये सिर्फ समराइजिंग के लिए होते हैं, यानी कि इनको हम डिस्क्राइब करते हैं समराइज्ड फॉर्म में. और जो इन्फ्रेंशियल होता है ये एनालिसिस के लिए होता है या ड्रॉ करने के लिए होता है कंक्लूजन को डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स से, और इसमें होती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग और एस्टिमेशन. देन है बायोस्टैट्स, ये दो वर्ड से बना है, बायो जो कि होता है रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, और जो स्टैटिस्टिक्स होता है ये लैटिन वर्ड से आया है स्टेटस, जिसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन अबाउट एनीवन. और बायोस्टैटिस्टिक्स को हम बायोमेट्रिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होता है मेजरमेंट्स और कैलकुलेशंस. जब हम स्टैट्स को या टूल्स ऑफ स्टैट्स को अप्लाई करते हैं बायोलॉजिकल और मेडिकल साइंस के फील्ड में, उसे हम बायोस्टैट्स कहते हैं. ये इंक्लूड करते हैं ह्यूमन बायोलॉजी, मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ, जेनेटिक्स, ड्रग डिस्कवरी एंड अदर्स. और इसमें तीन स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट इज जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस, देन होता है कलेक्शन ऑफ डाटा, एंड लास्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. देन एप्लीकेशंस या इम्पोर्टेंस आती हैं स्टैट्स की और बायोस्टैट्स की, वो होती है कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं नॉर्मल वैल्यू. देन हम डिफाइन कर सकते हैं कि क्या एक चीज़ जो नॉर्मल है या हेल्दी है पॉपुलेशन में, एफिकेसी या पोटेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं न्यू ड्रग की कंपेयर करते हुए विद द स्टैंडर्ड ड्रग. देन टेस्ट कर सकते हैं यूजफुलनेस ऑफ वैक्सीन, और हम पता लगा सकते हैं कि क्या है लीडिंग कॉज किसी डेथ का, और इम्पॉर्टेंट कॉज फाइंड आउट कर सकते हैं सिकनेस के, और राइज और फॉल किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के पैटर्न के बारे में भी हमको आइडिया लग जाता है. और ये हमें प्रेजेंट करता है एक ब्रीफ पिक्चर डाटा की, और हम डिसीजन मेकिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं. देन ये सिंप्लीफाई कर देता है कॉम्प्लेक्स डाटा को, प्रेजेंट करता है प्रोसेस को न्यूमेरिकल फॉर्म में, कंपैरिजन करने में हेल्प करता है, फोरकास्टिंग में हेल्प करता है, वेदर, स्टॉक या इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ द स्टेट में हेल्प करता है. देन हम चेक कर सकते हैं इफेक्टिवनेस किसी मेडिसिन की, फॉर्मुलेट और टेस्ट कर सकते हैं हाइपोथेसिस को, और डेवलप कर सकते हैं न्यू थ्योरीज या फिर पॉलिसीज. देन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है कि हम लोग क्वालिटेटिव फिनोमिना को एक्यूरेटली नहीं स्टडी कर सकते, ये बायस्ड कंक्लूजन या इन्फ्रेंस हमको दे सकते हैं, और हम इसको रॉन्ग वे में यूज़ कर सकते हैं ताकि हम प्रूव कर सके या डिसअप्रूव कर सके किसी चीज़ को, फॉल्स एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और कंक्लूजन आ सकती है, या तो कोई इनएक्सपीरियंस पर्सन करे या फिर कोई अनट्रेंड पर्सन करे. देन नेक्स्ट आती है हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है. ये होता है नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ द वैल्यू इन अ डाटा, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू कितनी बार डाटा में आ रही है. और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ये होती है रिप्रेजेंटेशन या तो टेबुलर या फिर ग्राफिकल फॉर्मेट में, जो डिस्प्ले करेगी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विद इन गिवन इंटरवल्स में. जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये थ्री टाइप्स का होता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें क्लास इंटरवल जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है. देन नेक्स्ट आती है कंटिन्यूस या फिर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें हम लोग क्लास इंटरवल को यूज़ करते हैं वेरिएबल्स की तरह, और ये कंटिन्यूस होने चाहिए. और जो डाटा है उसे हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ग्रुप्स या फिर क्लासेस में, यानी कि क्लास इंटरवल्स में. ये फर्दर टू टाइप्स का होता है, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव. जो एक्सक्लूसिव वाला होता है उसमें क्लास इंटरवल में अपर क्लास लिमिट नहीं होती, जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 to 20, 20 to 40. देन जो इंक्लूसिव है ये इंक्लूड करता है
अपर कास्ट लिमिट को, जैसे कि 1 to 20, 21 to 40, और जो लास्ट है वो आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएबल्स को ऐड करते रहते हैं जैसे जैसे हम टॉप ऑफ द टेबल से बॉटम की तरफ जाते रहते हैं। और जो बॉटम कैटेगरी होती है उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है जो इक्विवेलेंट होती है टोटल साइज़ के। इसका फॉर्मूला होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और द बॉटम फ्रीक्वेंसी इनटू 100। देन हम जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं हिस्टोग्राम के थ्रू, पॉलीगन, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओगिव कर्व, जो कि टू टाइप्स का होता है, लेस देन ओगिव जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करते हैं और अपर लिमिट को चूज़ करते हैं, और मोर देन ओगिव वाले में हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करते हैं और लोअर लिमिट को चूज़ करते हैं। That's all for now. Thank you. We will soon meet with a new video. Till then, stay tuned.